नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सो बात करेंगे अभी निफ्टी 50 की। सो कमिंग वीक में निफ्टी 50 की क्या कंडीशन रहने वाली है, और जैसे कि अभी फ्राइडे के सेशन में कल के सेशन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। सो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि इसमें अब क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा ये बज है कि ये जो एक मार्केट बबल था अब फूटने वाला है, कहीं ना कहीं एक हैवी सेलिंग आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो इस वीक में हम क्या चेक कर सकते हैं, वो कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जिसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड फिक्स कर सकते हैं। सो वो सब जानेंगे टेक्निकल बेसिस पे। तो आइए चार्ट पे चलते हैं निफ्टी 50 का। सो दोस्तों, ये चार्ट है, 5 साल का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, 5 साल का। फिर थोड़ा सा मैं 1 साल का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। 1 साल का चार्ट है, 1 साल का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है 26 फरवरी 2020 का है, 1 साल पहले का लगभग है, जब मार्केट गिर रहा था कोविड के चक्कर में। और यहाँ पे लगभग 20 मार्च को ये ऑल टाइम लो लगा, ऑल टाइम क्या, पिछले 1 साल का लो लगाया था, 7626। यहाँ पे ये देख रहे हैं, 7626। ठीक है, 20 मार्च के बाद ये डेट है, 20 मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ऊपर आया। ये है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल के बाद 25 जून, 10427, ठीक है, 11000, 31 अगस्त यहाँ तक आया है। ठीक है, अब 17 फरवरी 21 से सीधा मार्केट 7747 से, एक देख रहे हैं, सीधा प्लेन एक लैडर है, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। बीच में कोई जिगजे, कोई कोई बिग सेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, सीधा ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 15184 के आसपास, और यहाँ से क्या हो सकता है, और मार्केट क्या बबल फूटने वाला है क्या। तो हम चार्ट के बेसिस पे इसको जानेंगे आगे वीक में क्या हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसके बीच पे हम थोड़ा सा 5 दिन का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, 5 दिन का चार्ट ही लग गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है, एक मिनट, ये मैंने 5 दिन का चार्ट लगा दिया। 5 दिन का चार्ट 15416, ये कौन से दिन था, 16 फरवरी को था। ठीक है, 16 फरवरी के आसपास यहाँ पे था। उसके बाद ये 16 फरवरी से सीधा जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये कुछ ऐसे करके सीधा ऐसे आ रहा है। ठीक है, और एक पैटर्न आप देख सकते हैं इसमें, जब थोड़ा सा बेयर मार्केट होता है, थोड़ा सा बेयरिश कैंडल होता है चार्ट का, तो क्या होता है, लोअर लो एंड लोअर हाई। लोअर लो, लोअर हाई का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, ये हाई बनाया है, ये इसका लो है। ठीक है, अब जो आगे आने वाला इसका हाई होगा, लो होगा, ये लो इसके पहले वाले लो से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और लोअर हाई, ये जो हाई बना है इसका पहले वाले हाई से थोड़ा सा कम है। अगेन देख लेते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, ये जो लो बना है नेक्स्ट, ये जो लो है पहले वाले लो से, जो यहाँ बना था, यहाँ बना था, उससे कम है, और इसका जो हाई बनाया है ये पहले वाले हाई से थोड़ा सा कम है। तो इसे बोलते हैं बियर, जब इस तरह का ट्रेंड जो है 2 दिनों से लगातार फॉलो हुआ, तो इसे बोलते हैं बियर ट्रेंड। चार्ट जो है बियर ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये मार्केट अपना क्लोज हुआ है कल की डेट में, ये देख रहे हैं, 19 फरवरी को 3:20 पे, 14984 पे। तो आगे क्या हो सकता है, आगे जो मैंने आपको एक कल वीडियो बना के बताया हुआ था कि थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट ग्रीन में था, उसके दम पे हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है मंडे को। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग हुई है 14985 के आसपास, तो यहाँ पे ये कुछ 50-60 पॉइंट का अगर जंप मिल जाता है तो ये 15051, 15043 तक जा सकता है ऊपर। बट फिर अगर आगे ट्रेंड हम फॉलो करेंगे कि और ऊपर यहाँ पे अगर आ भी गया, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अब चला गया तो हम थोड़ा सा चार्ट चेंज हो गया तो हम बाई कर लेंगे, बाई करने के लिए कूद जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ भी 15040, 30, 37 या 15050 के आसपास भी आता है, तब भी चार्ट में जो ट्रेंड है 4-5 दिनों का, हफ्ते भर का, वो ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से फिर वो मुड़ के वो नीचे आ सकता है। ठीक है, नीचे आके और नीचे जा सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि फिर से और नीचे जाएगा या यहाँ से आने के बाद ऊपर जाएगा, तो हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ये 4 दिन का ये वाला रेजिस्टेंस है 15153 का, अगर यहाँ पे जंप मारा तो एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड रेजिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, 15131 और 15152, 160 का मान लीजिए। तो अगर यहाँ पे जंप मार के 15158, 160 के ऊपर निकल जाता है, तो ये क्लियर कट, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए, वीकली बेसिस के लिए,
एक बाई सिग्नल होगा और यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। अगर 15,158.60 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं कम से कम 150-200 पॉइंट के लिए, ठीक है। कम से कम इसका 15,314 अगला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो पहला है रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यही होगा कि अगर यहाँ पे जैसे मार्केट क्लोज हुआ है कल की डेट में 14,994 के आसपास, यहाँ से जंप मिलता है तो जंप मिलने के बाद भी अगर जब तक ये 15,160 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। और जब तक ये मान लो यहाँ पे थोड़ा सा जंप होके निगेटिव में आ गया, तो ये अगर 14,000 जो अपना फ्राइडे का लो था 14,904 का, 14,902-904 और 14,900 पकड़ के मान के चलिए, 14,900 का जब तक लो ये तोड़ता नहीं तब तक हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है मंडे को जब तक 15,160 के ऊपर न जाए हम बाई नहीं करेंगे। 15,160 के ऊपर चला जाए तो हम सीधा बाई कर लेंगे कम से कम 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और जब तक 14,900 के नीचे न जाए, ठीक है, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 14,900 के नीचे गया, 14,890, 14,895 सीधा हम सेल कर देंगे, करीबन 200-150 पॉइंट शॉर्ट के लिए हम सीधा प्रॉफिट में आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ 14,960, 15,160 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम बाई नहीं करेंगे। उसके बीच के रेंज में हम कोई बाई सेल सिग्नल नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएट करेगा। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, जब मार्केट बुल मार्केट फेज में होता है तो थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, जब बियर फेज में आता है थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ आता है। तो ये जो रेंज है 15,160 से 14,900, इस रेंज में हम कोई बाई ट्रेड नहीं करेंगे और कोई ब्रॉड रेंज नहीं रहेगा। आपको थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट के लिए करना है विदाउट टेक्निकल बेसिस पे कर सकते हैं, बट टेक्निकल बेसिस पे आपको याद रखिएगा 14,15,160 के ऊपर जाए तो बाई करना है और 14,900 के नीचे आए तो सेल करना है। 14,900 के नीचे आ गया तो हम तुरंत शॉर्ट कर देंगे, 15,160 के ऊपर गया तुरंत बाई कर लेंगे, ठीक है। ये है मंडे कम से कम रेंज। और अगर मंडे को इसी बीच में रेंज होता है तो ये आगे वीक के लिए भी होगा। आगे वीक में मान लो मंडे को या ट्यूजडे को ये सब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है, मान लीजिए कि 15,160 के ऊपर चला जाता है, तो हम फिर से जो है इसका नया सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाशेंगे। और अगर ये 14,900 के नीचे आ जाता है तो फिर से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि फिर अगर नीचे तोड़ता है तो 150-200 पॉइंट फिर नीचे जाएगा, फिर नया सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये है क्लियर कट आपका, और ज्यादा चांसेस है कि एक यहाँ पे एक बाउंस बैक मंडे को मिल जाएगा, बट सस्टेन कितना होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।